सुहेल साहब, जिस तरह से बात हो रही है अभी रैंकिंग की, अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम बाबर आजम की बात करते हैं, आपने देखा कि वो भी थोड़ा डर के खेलते हैं, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। क्या उसकी वजह यही है कि मैं रैंकिंग्स में कहीं पीछे ना रह जाऊं, या सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगी, वो हमें अटैकिंग फॉर्म में नज़र नहीं आते हैं, बस एक डर नज़र आता है कि मैं आउट ना हो जाऊँ, क्या इज़ दैट द रीज़न? देखिए, इसमें प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ ना, तो आपको अभी हमने उस पर बात भी की रिसेंटली, जो ड्रेसिंग रूम में उन्होंने एक बात की कि जी मैं आउट हो गया तो आपसे 120 भी नहीं हुआ। तो कुछ डर आप उस सेंस में कह सकती हैं, वो दूसरा वाला डर तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको शायद ये डर है कि अगर मैं रिजवान रन्स नहीं करेंगे तो नीचे से रन्स नहीं होंगे, तो ये मेरे ख्याल में उनके दिमाग में ये बात हो सकती है। बाकी देखिए, जब जैसे वसीम भाई ने बोला ना कि जब आपको हर तरफ वो रैंकिंग का शोर नज़र आता है और आप देखते हैं कि चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वो चाहे आपकी सोसाइटी हो, मेनली सोसाइटी से होता है ये, हमारी सोसाइटी में आपने देखा कि वो ग्लोरीफाई किया गया, रैंकिंग में फिर नाम दिए गए इस तरह के, तो वो फिर ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन आपके चीज़ आपके दिमाग में वो चीज़ें असर करती हैं ना, आप सोसाइटी का पार्ट हैं, आप जब हर तरफ से वही चीज़ें आपको एक मैसेज आता है ना आपके दिमाग में फीड हो रहा है डे इन एंड आउट, तो वो फिर ऑब्वियसली आपकी आपके एक्शन के ऊपर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो वो बात वही है कि आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, टीम कल्चर, आपको आपको पूरी क्रिकेट अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। आजकल की क्रिकेट सेल्फलेस क्रिकेट है, मतलब आपकी अपनी ज़ात उसमें नहीं आती। जैसे रोहित की इमरान ने अभी बात की कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी T20 क्रिकेट में स्पेशली, वहाँ पे तो भाई आप 99 पे भी खड़े हैं और अगर आपको मुंह में बॉल मिला है तो यू हैव टू हिट इट फॉर सिक्स, ठीक है? वो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है ये, टीम कम्स फर्स्ट। हाँ, अगर आपका 100 आप करें, ज़रूर करें, वो टीम को जितवाने में हेल्प कर रहा है तो फेयर इनफ, अच्छी बात है। आप माइलस्टोन्स अपने रखने चाहिए, मैं खुद इस चीज़ का हमेशा से खुद मैं अपने भी रखता था कि माइलस्टोन अगर मैं कोई टूर्नामेंट खेलने जाता था, आप बेशक वो अचीव कर सकें ना कर सकें, बट एक अपने लिए एक टारगेट, एक मंजिल आप अपने लिए सेट करते हैं, गोल सेट। प्रॉब्लम तब आता है जब आप उसको कंप्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, बिल्कुल सही बात, कि टीम की परफॉर्मेंस हो ना हो, मेरा अपना पर्सनल गोल अचीव होना चाहिए, देन इट बिकम्स रॉन्ग। अगर आप टीम कम्स फर्स्ट देन आपका गोल है तो फेयर इनफ, ठीक है। और वो देखें, अगर आप टीम के लिए खेल रहे हैं और अपना गोल भी अचीव कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली विनिंग कॉज का भी वो बन रहा होगा, टीम को जितवाने में आप रोल प्ले कर रहे होंगे। बट जब आप अपना रोल या अपना वो जो आपने एक मंजिल सेट की है, अपना एक जिसको आपने अचीव करना है गोल, उसको सामने रखेंगे और टीम को कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे, वो चाहे रिजल्ट्स हैं या मैं बैटिंग की बात करूं, बॉलिंग की बात करूं, मैं अपनी विकेट लेने के लिए मैं कहूं जी मुझे मार पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं 40 रन देके 3 विकेट ले लूं, बिल्कुल सही तो बात। वो गलत है। मैंने हमेशा अपना हर टूर्नामेंट जो मैं खेला मैं गोल सेट करता था, अचीव हर उसमें नहीं होता, आप हर टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर नहीं बनते ना बेस्ट बैट्समैन बनते, बट एटलीस्ट आपके एक मंजिल होती है, उसकी तरफ आप कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो मंजिल आपकी जो है ना वो आपकी टीम को हर्ट ना करे, दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा वसीम साहब, अभी चूंकि ज़ाती कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही है ना, ये खराबी कहाँ से शुरू हुई आपके ख्याल में पाकिस्तान के क्रिकेट में? अगर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं जब 90s में या उससे पहले की, मतलब पाकिस्तान के लिए जो जारहाना अंदाज से उस वक्त टीम में खेला करते थे, वो सईद अनवर साहब खेला करते थे, वो तो 94 पे भी छक्का लगा देते थे, 96 पे भी चौका लगा देते थे, तो उनके सामने भी 100 होता था ना उस वक्त, ठीक है। ये कहाँ से, किस वक्त से आपको लगता है कि ये वाली चीज़ ज़्यादा शुरू हुई है कि वो रुक जाएं या अपनी कारकर्दगी या अपने 100 को देखना शुरू कर दें? देखिए, अगर आप लेट 90s या अर्ली 2000 की भी बात करते हैं ना, उस टाइम डिफरेंट क्रिकेट है, उसमें टाइम 50 ओवर के मैच थे, अगर हम वाइट बॉल की बात करते हैं तो 250 पे आप मैच जीतते थे, 230 के ऊपर आप मैच जीतते होते थे, तो उसमें तो आप कह सकते हैं गेम की डिमांड ही यही थी कि 120 बॉलों पर अगर किसी ने 70 करके मैच जिताया या 100 बॉलों पर 60 किया मैच आप जीते हुए हैं, तो क्राइटेरिया आपका मैच विनिंग है, क्राइटेरिया मैच विनिंग है, उसमें स्ट्राइक रेट 70 रिक्वायर्ड है, 60 रिक्वायर्ड है या 150 रिक्वायर्ड है, वो आपने मीट करना। लेकिन फिर बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर पे भी तो पाकिस्तान मैच जीता है ना, अगर ये एक उसका क्राइटेरिया है तो? नहीं देखिए, हम बाबर रिजवान की हम इंडिविजुअली तो बात भी नहीं कर रहे ना, एक ओवरऑल जो हम बात एक कर रहे हैं ग्लोरीफाई जो होने की बात है, हम समझते हैं जी, मैं भी कह रहा था कि अभी भी इस वर्ल्ड कप के अंदर बाबर रिजवान की ओपनिंग को नहीं छेड़ना चाहिए था हमें, हमने वो चीज़ें छेड़ी जिसकी वजह से शायद वो जोड़ी भी नहीं चली, वहाँ पे जाके फिर तोड़ना पड़ा उसको जाके ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, भी वर्ल्ड कप से पहले भी हमें तोड़ा,
तो ये तो टेलर मेड सिचुएशन थी हमारे लिए, ठीक है ना। हम जो बात करते थे कि जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे वहाँ पे इनको थोड़ा सा तेज खेलना होगा, या वहाँ पे आप शायद आप चेंज भी कर सकते हैं एक प्लेयर बीच में ला के, लेकिन वो कोई भी कामयाबी हमें उस चीज़ की उस तरीके से मिली नहीं है। तो लेकिन वो ग्लोरीफाई देखें, अब मतलब रिजवान और बाबर की जो फेमस जोड़ी सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ से, जब हम इंडिया से मैच जीते 10-152, ठीक है, तो वो अभी तक लोगों को याद है। आसिफ अली ने भी मैच जिताया, वो लोग भूल गए, उन्हें अफगानिस्तान के गेंद जिताया वहीं पे, वो भूल गए आप, उसके बाद उन्हें इंडिया के गेंद से मैच जिताया। नॉर्मली कहा जाता है ना कि इंडिया से भी एक मैच जिताएं तो आप 5 साल आपका करियर बन जाता है, वो क्यों टीम से अंदर बाहर होना शुरू हो गए, प्लेइंग 11 से ड्रॉप होते होते फिर वो फेड अवे हो गए। तो एक वो थोड़ा सा कल्चर जब देखें, अब जब ऊपर एक क्राइटेरिया जी कि आप ने रखने हैं प्लेयर ऐसे कि आपकी एवरेज मैटर करती है, लेकिन नीचे वालों के लिए फिर वही फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जी वो भी इतने ही कंसिस्टेंट हो, उनकी भी एवरेज इतनी हो, अदरवाइज 2 मैचों के बाद कभी आसो ड्रॉप हो जाता है, कभी आपका खुश दिल ड्रॉप हो जाएगा, जो भी नीचे खेल रहे थे वो ड्रॉप हो जाते थे। तो फिर वहाँ पर हाई रिस्क क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो उनको एक तो प्रॉपर रन उनको भी मिलनी चाहिए, और जब ऊपर भी आप ये ट्रेंड चेंज करेंगे, ये नहीं है कि आप ये अब रिजवान और बाबर जी अगर 200 करना है, मतलब एक टूर्नामेंट है या कोई सीरीज़ है 5 मैचेस हैं जी 200 प्लस वाले रन होने हैं, तो ओबियसली आपने 60-70 रन करने हैं आपने उसमें पावर प्ले के अंदर, उसमें स्टेप अप इनको करना होगा, आउट होते हैं उसमें कोई मसला नहीं है, आप इनको नंबर ऑफ मैचेस तो फिर भी आप देखेंगे ना कि यार वो अपने थोड़ा कम्फर्ट जोन से बाहर निकले हैं, तो उनको कंसिस्टेंट मौके ऊपर भी मिलने चाहिए और नीचे वालों को भी मिलने चाहिए। टीमें सारी इसी तरह डेवलप हुई हैं, किसी ने नहीं तो आज तक मैक्सवेल कप का टीम से बाहर हो गया होना था। फिल सॉल्ट को देख लें, वो आता ही नहीं था टीम के अंदर, फिर अगर आप वो देखें जी कि इनकी एवरेज मतलब, ठीक है ना, अभी भी आई थिंक इफ्तिखार के आप स्टैट्स देखते हैं, ऋषभ पंत से बेहतर स्टैट्स हैं उसके, स्ट्राइक रेट भी बेहतर होगा उसका, एवरेज भी बेहतर होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, हम उसको कहाँ पे बैटिंग करवा देते हैं, वो उसको नीचे से उठा के ऊपर ले गए, हम ऊपर से नीचे ले गए, हम ऊपर से बिल्कुल जाके नीचे ले गए, ठीक है ना। जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था हमारा इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था, अक्षर पटेल खेले थे वो मैच, शायद कौन से वाला, पाकिस्तान इंडिया मेलबर्न वाला, हाँ जी, खेले थे, इसने रन किए थे, वही वहां से टर्न हुआ था मैच, पाकिस्तान को चक्के मारे थे इसने, इसी को मारे थे ना, अक्षर पटेल को मारे थे। हमने क्या किया जब अक्षर पटेल इस दफा आया, हम इसको 8वें पे ले गए, हमने बॉलिंग ऑलराउंडर को भेज दिया, तो फिर वो मतलब या हमारी मेमोरी वो है या हमारा ट्रस्ट नहीं है प्लेयर के ऊपर, ये तो एविडेंस है ना आपके सामने, मैचअप आपके सामने, हम क्रिकेट नहीं फिर खेल रहे ना, हाँ कि आपके सामने एक मैचअप है कि स्पिनर लगे हुए हैं यहाँ पे, उसको मसला आता है थोड़ा रिस्ट स्पिनर से, जो कि था ही नहीं, रिस्ट स्पिनर होगा तो मैं भी कहूँगा जी इफ्तिखार को भी ना भेजें, राशिद के 2 ओवर हैं निकल जाएँ, या कोई और लेग स्पिनर है जिसके निकल जाए, लेकिन उसके ऊपर भी डेवलप क्यों नहीं किया। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हम फिल सॉल्ट का आपने जिक्र किया, इवन एलेक्स हेल्स का जिक्र कर लें, या दुनिया के और बैटर्स का भी जिक्र कर लें, तो स्किल्स तो डेवलप हुई हैं ना वक्त के साथ साथ। सर 8वें नंबर पर जाके आपकी स्किल क्या मतलब, वो शो क्या करें आपको, मैं इफ्तिखार पर मैं इसलिए कि मुझे पता है उस पर छूट चलेगी अभी, कि उसको एकदम से ना एक वो जो होता है ना कुर्बानी का बकरा, उसी ने बनना है मुझे लग रहा है, उसी को बनाएंगे जी, देखें इसने कुछ नहीं किया, जैसे कैच छोड़ दी है, आपने किस नंबर पे खिलाया, फिर मैं कहूँगा कि आपके पास अल्टरनेट है उसका इस टाइम पे, और अल्टरनेट भी आप उस टाइम पे डिसाइड करते हैं जब आप कहते हैं यार इसको हमने फेयर रन दिए, प्रॉपर चांस दिए हैं, सही नंबर पर बैटिंग कराई है, इसको मौके मिले हैं, सिचुएशन मिली है, नहीं डिलीवर कर सका, अभी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होंगे अगर आप ड्रॉप करते हैं तो। अगर मैं एज एनालिस्ट देखता हूँ इस चीज़ को, हाँ भाई कितनी दफ़ा इसको मतलब आपने खिलाया 4 नंबर पे या 5 नंबर पे, या कितनी दफ़ा आपने बॉलर्स को इससे आगे भेजा है, तो इसका जो मेंटल स्टेट होगी उसके बाद, वो किसी ने सोचा उस बारे में कि वो क्या सोच रहा होगा, वो आप डगआउट में नज़र आ जाती ना चीज़ें कई दफ़ा, कि अब मतलब सुहेल का नंबर है और एकदम से मैं वहाँ पे कहूँ जी ऑफिसर आप चले जाएँ, उसके बाद मीरू को आप बैटिंग करने चले जाओ, ये पैड के अंदर ही बैठा, वो तो सुना वो कहते बैठे यार 4 ओवर लाइए माड़ा सानू भेज दें जाओ सारा कुछ करो। हाँ तो राइटली सो, इसमें मतलब वो तो नहीं है ना कि लोग कहते हैं, फिर वही है कि इसमें वैसे आपने सुना तो कभी कि आपकी टेक्टिकल हो कभी क्या चीज़ आपने सुना कभी है? मैंने देखे मुल्तान में हमारे साथ है, मैंने सुना है उसको बिकॉज देखे बैटिंग में वहाँ बैटिंग कोच भी मैं था तो मैं इससे प्रॉपर जाके बात करता था कि यार ये भी ब्रिज स्पिनर लगा हुआ है, इसके एक आधा ओवर निकल जाए तो उसके बाद आपने ही जाना है, ठीक है ना। तो वो टेक्टिकल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने पक्का आपने लेबल कर दिया है और ऊपर आप बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं और नीचे आप बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट, वो चीज़ मॉडर्न क्रिकेट में ये चीज़ नहीं है।